मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पांडे। और प्रदीप, काफी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था आज का। दो दिन के ग्लोबल क्यूज हमें पचाने थे। जब शुरू हुए थे तब तो ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छा आज का ट्रेडिंग सेशन होगा, हरे निशान में होंगे, लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज तो आज का बैंक निफ्टी निकला। लगा था कि गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन देखिए काफी लाल निशान में कारोबार रहा पूरे दिन ही। खुला ही लाल निशान में था और 28,000 के आसपास जाके ये बंद हुआ है। तो इसको कैसा देखा जाए? तो बड़ा असमंजस वाला दिन था आज हम कहेंगे, क्योंकि सुबह भी हम देख रहे थे कि क्रूड में जिस तरह की तेजी आई है उसके चलते बाजार पे दबाव तो आना चाहिए, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी चूंकि काफी ज्यादा मजबूती दिखा रहा था, इसलिए ज्यादातर यहाँ पर राय यही बन रही थी कि एक तेजी होगी। पर हमने कंडीशनल बाई की बात कही, हमने कहा था 11,600 के ऊपर टिकता है तो ही आप खरीदारी करें, वो तो हुआ नहीं। नीचे की तरफ हमने 11,520 के आसपास के सपोर्ट बताए थे, तो आप देखिए करीब करीब उसके बाद से ही बाजार घूमे हैं, तो वो डिप्स में खरीदारी वाली रणनीति ज्यादा कारगर रही, व्यू सही बैठा। लेकिन निफ्टी बैंक में रिवर्सल थोड़ा गहरा गया और निफ्टी बैंक पे हमने आखिरी घंटे में जो 28,000 से 28,100 के बीच एक्सपायरी की कॉल रखी थी वो तो ठीक बैठी है। अब आगे हमें लगता है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी गिरावट थमनी चाहिए। अगर किसी वजह से कल थोड़ी और गिरावट आती है तो उस स्थिति में मेरा ख्याल है कि आपको 150-200 पॉइंट से ज्यादा की जगह है नहीं गिरने बैंक के लिए और गिरने में, तो गिरावट में खरीदारी के ही मौके होंगे। हमारा मानना है 27,750 से 27,850 के बीच कहीं निफ्टी बैंक को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर कोई गिरावट आई, हो सकता है कि हमने आज बॉटम बनते हुए देख लिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा, कुछ पॉजिटिव हुआ तो कल आप ऊपर जाएंगे, और नहीं भी गए, थोड़ी और गिरावट आई तो निफ्टी बैंक बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आपको दिखेगा और वहाँ आपको तेजी करनी चाहिए। और इनफैक्ट प्रदीप, मैंने देखा है जब भी हम ब्रोकर्स पोल करते हैं और कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा पोल कुछ और कह रहा है और मार्केट कहीं और चला गया, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में हुआ, तो अगले दिन अक्सर ऐसा होता है कि पोल के लेवल पे पहुंच जाता है बैंक निफ्टी। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है, इसको याद रखना। बहुत ही मुश्किल है, और अब ये बात कहते हुए हमें कई हफ्ते हो चुके हैं कि इस मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, जब ब्लू स्काई टेरिटरी में मार्केट आता है और बहुत सारे स्टॉक्स तेजी में भाग ले रहे हो, तो उस समय आपके सारे कॉल्स उस मोमेंटम के साथ ही चलने वाले हैं। कभी कभी एवरेशन हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एवरेशन ट्रेड करेंगे, आपको ट्रेंड को ट्रेड करना है, आपको एबरेशन को ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, इसलिए तेजी का ही ट्रेड लेकर चलिए, पैसा वहीं बनेगा। एक आध दिन आप गलत पड़ेंगे, लेकिन अगर आप रोज ट्रेड कर रहे हैं तो बाकी के 10 दिन की कमाई में वो एक दिन का थोड़ा बहुत लॉस अगर हुआ भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और वो भी क्यों होगा, हम आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताते हैं ना। तो आज आपका तेजी का ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो सुबह हमने कंडीशनल ट्रेड्स आपको बताए थे। तो जिस दिन हम कंडीशनल ट्रेड की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आज रिस्क बड़ा है, आज मामला उल्टा भी हो सकता है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी सही लेकर चले तो आप इस बाजार में फंसेंगे नहीं, और ट्रेड के साथ आपको ट्रेंड के साथ चलने पर आपको मुनाफा ही मिलेगा। और काफी सारे लोग बैंक निफ्टी में 28,500 का लेवल देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो आए, है ना प्रदीप? ठीक है, 28,400 के ऊपर निकलने की चुनौती है। एक बार 28,400 निकला तो मुझे लगता है कि आपको वहां से 500-600 पॉइंट की और तेजी देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, फिंगर्स क्रॉस। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ सनी खेर मोड MGL पे पूछे, 860 का कॉल है, 9 रुपए पे लिया है, क्या करना चाहिए? आज तो वो प्रमोटर्स ने फिर सेलिंग की, करीब 15% के आसपास की स्टेक की, मेरे ख्याल से 838-840 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है फिलहाल, तो वो एक ओवरहैंग स्टॉक में हमेशा रहा है कि प्रमोटर आके बेच देंगे, और वो होता रहा है। 860 का कॉल क्यों और कब लिया? अच्छा, हो सकता है कि 840 के आसपास जब आ गया तब आपने एंट्री ली होगी, ठीक है, तो आपने अजम्पशन ये लिया है कि अब इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ट्रेंड आपके साथ है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग था और आज सिर्फ इसी वजह से गिरा है। अच्छा, गिरा जो दिक्कत बढ़ गई वो ये थी कि हालांकि फ्लोर प्राइस 850 का था, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट जिनसे हम बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि ये फ्लोर प्राइस आएगा नहीं, उनको लगता था कि 680 मैक्सिमम 660 वहाँ पर मामला, माफ कीजिएगा, 860 वहाँ पर मामला पूरा हो जाएगा और वहीं पर डील हो जाएगी, तो डील थोड़ी नीचे आकर हुई और इसकी वजह से फिर एक फॉलो अप सेलिंग ट्रिगर हुई है। लेकिन उसके बाद 820 के आसपास के स्टॉप लॉस के लेवल सुझाए गए थे और वो टिके हुए हैं। मुझे लगता है कि आप इसी 820 के करीब स्टॉप लॉस को पकड़ के चलें और ये स्टॉक आपका जो ऑप्शन है वो आपको मुनाफा देगा, क्योंकि स्टॉक अदरवाइज मजबूत है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट आएगी। ये जो आज की गिरावट है ये टेक्निकल फॉल है देखिए, और पहले से ही थोड़ी वीकनेस आ रही थी। MGL जो है IGL को अंडर परफॉर्म करने लगा था, तो उससे अंदाजा लग रहा था कि शायद बाजार को कुछ डर है, तो वो डिस्काउंटेड हुआ है काफी हद तक। ये पोजीशन बना के रखिए, हाँ 820 पे एक स्टॉप लॉस रखिए। फंडामेंटली इस कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है,
क्योंकि बीच में देखा था हमने कि ऑयल एंड गैस को लेके काफी लोग बुलिश हुए थे, काफी लोग कह रहे थे कि बड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो फंडामेंटल इस कंपनी के बिल्कुल खराब नहीं है। जो भी है, जो टेक्निकल रीजन से गिरा है, तो अगर आप लंबे अवधि का लेना चाहते हैं तो लेके रख सकते हैं इन लेवल्स पे, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा, ये तो फिलहाल कॉल ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो इनका तो हफ्ते भर का ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बाउंस करेगा और आपको मुनाफा देके जाएगा। ओके, अगला स्टॉक प्रदीप, इनफैक्ट मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन वो एलएनटी पूछ रहे थे, 1363 पे उनके पास पड़ा हुआ है, तो क्या करना चाहिए इन लेवल पे? अब तो बायबैक आने वाला है 1500 का, मैक्सिमम प्राइस है 1500। देखिए, राय बहुत साफ है, अगर आपने एलएनटी इसलिए लिया था कि बायबैक आएगा और उसकी वजह से एक तेजी देखने को मिलेगी, तो 100-125 रुपए की तेजी हो गई, अब आप यहाँ पर चाहें तो मुनाफा वसूल करें। okay. अगर आपने एलएनटी इसलिए लिया था कि अब कंपनी सब मैनेजमेंट एक तरह से पॉजिटिव हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है और वैसे कदम उठा रहे हैं जिससे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिले, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। आज भी कुछ दिग्गज ब्रोकर्स के कॉल काफ़ी ऊँचे आए हैं और ऐसा लगता है कि लगातार व्यू पॉजिटिव हुआ है। एक और अहम बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि इस समय इंडेक्स में, दिग्गज शेयरों में अब लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि अब कहाँ पैसे लगाएं, इस तरह से लगातार बाजार में तेजी बन रही है, तो ऐसे में एक ऐसा लगाड जिसमें कोई बड़ा निगेटिव नहीं है। लेकिन जो कंपनियां लगाड्स हैं जो अभी तक चले नहीं है, वो दो तरह की कंपनियां हैं, एक वो है जिनमें कोई बड़ा निगेटिव है, कोई डर है, तो उनका चलना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे कच्चा तेल बढ़ता रहेगा, इलेक्शन सीजन है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का चलना मुश्किल है। सरकारी बैंकों में अभी और आगे एनपीएस हो सकते हैं, वो डर है, तो उनके लिए भी हर तेजी में आपको दबाव देखने को मिलेगा। एलएनजी में ऐसा कोई अपेरेंट निगेटिव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस होना ज्यादा लाजमी लगता है। और एक रिलेटिव वैल्यूएशन बड़ा अहम पैरामीटर होता है, और रिलेटिव वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो अब एलएनटी आपको ज्यादा सस्ता लगने लगता है जब बाकी का बाजार काफी ऊपर निकल गया है वैल्यूएशन के लिहाज से, तो वो एक लॉन्ग टर्म का भी प्ले है। अगर आप रुक सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप जरूर रुकें, जल्दबाजी ना करें निकलने की। हाँ, ट्रेडिंग का मूड है तो मुझे लगता है ठीक ठाक लेवल आ गए। इनफैक्ट आज जो हम 12:30 का शो कर रहे थे ना, वो पांडव, आगे के 5 पांडव कौन रहेंगे, उसमें विकास सेठी का पिक था एलएनटी। उनका कहना है कि आगे जाके जो निफ्टी की तेजी है उसमें हो सकता है कि एलएनटी लीड करे, 1600 रुपए के प्राइस आगे दिए थे उन्होंने, पक्का ही करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। 1800 से 1900 तक के भी टारगेट सामने आ रहे हैं, और देखिए अब धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वरुण बहुत सारे सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं, आपको बताते रहते हैं, तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली कंपनी है, बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी बनाने वाली कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है, तो इनका कारोबार तो बढ़ना ही। ओके, ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मीत रयानी HDFC AMC पे पूछ रहे हैं, नतीजे आए, नतीजे काफी अच्छे, स्टॉक में 4% के आसपास का उछाल भी था एक समय मेरे ख्याल से, तो अब भी क्या है यहाँ मौके बनते, क्योंकि जब इसका IPO आया था तब तो लोग काफी बुलिश थे और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, लिस्टिंग भी अच्छी हुई, अब क्या? बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि ये बहुत महंगा है और हम आमतौर पर देखते हैं कि महंगे स्टॉक और महंगे होते जा रहे हैं बाजार में, तो उस नजरिए से हमें लगता है कि यहाँ पर तेजी होगी। बाजार खुलने से पहले आज हमने आपको बताया था कि यहाँ अच्छी खबर है, ये स्टॉक आज चलेगा, रिजल्ट देखकर हमें कोई शक नहीं था कि ये स्टॉक आज नया हाई बना लेगा, और उसने बना लिया, लेकिन वो नए हाईस के ऊपर टिका नहीं है। तो देखिए, हालांकि बहुत वक्त नहीं हुआ है इसकी लिस्टिंग को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 1850 के ऊपर अगर ये निकलने में कामयाब होता है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई और जो साइड लाइन में बैठे हुए इन्वेस्टर थे अब वो निकलकर ताज़ा खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कल तक थोड़ा वेट कीजिए, देखिए अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो खरीदारी करने की सोचिए, वरना हो सकता है थोड़ा ठंडा हो। आज रिजल्ट के चलते जो तेजी आई है, आपको 1750 के आसपास अगर फिर से मौका मिले आप वहां भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर 1850 के ऊपर निकल गया तो फिर ले लीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा, हो सकता है कि फिर आपको ये लेवल वापस ना भी मिले। ओके, जल्दी ना मिले, डेफिनेटली। चलिए ठीक है प्रदीप, अगला पूछते हैं, मेरे कैसे संतोष नायक है, KTK बैंक, कर्नाटका बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, यही बाकी है। हाँ, डेफिनेटली, बहुत सारे, लेकिन प्रदीप ये जो तेजी है इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये केरला स्टोरी हुई थी जब, उसके बाद अच्छे खासे गिरावट स्टॉक में हुई थी, जितने भी केरला स्टोरीज थी उनमें गिरावट हुई, अब धीरे धीरे लोग मार्केट में एटलीस्ट वो केरला स्टोरी को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि इट वॉज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल। नहीं तो गिरावट आ गई, वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे इस गिरावट में कोई बैंक खरीदना हो तो मुझे फेडरल बैंक बेहतर लगता है। okay. खरीदारी के लिहाज से तो मैं वहाँ जाऊँगा, बनिस्बत कर्नाटका बैंक की, कर्नाटका बैंक में कोई बुराई नहीं है, पर ये मेरा फेवरेट बैंक नहीं है छोटे। ओके ओके, ठीक है, तो आप फेडरल बैंक में ले लीजिए अगर पोजिशन आपको लेना है, कर्नाटका बैंक मत लीजिए। यहाँ हसमुख बडोदरिया BPCL पे व्यू पूछे कि इसमें क्या करना चाहिए। सेल की कॉल बनी है और कच्चे तेल में उछाल आया है,
ये रिस्क हम आपको बता भी रहे थे पिछले शुक्रवार को, मेरा ख्याल है जब बहुत तेजी के मूड में मार्केट था और सोनम का ये सवाल था कि यहाँ से आगे अब क्या हो सकता है, तो आपने ये मेंशन किया था कि क्रूड अपने निचले स्तरों पे है। क्रूड की रेंज देखिए 10-10 डॉलर की हम पकड़ते हैं, 65 से 75 और 70 से 80 ब्रेंट और नाइमेक्स के लिए अलग अलग रेंज है, तो वो लोअर एंड पे आने के बाद बाउंस कर रहा है, और ऐसे में कच्चे तेल पे जो बाउंस आता है उसके चलते आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेचना चाहिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप 75-80 डॉलर वाली रेंज में खरीदते हैं और नीचे 65-70 वाली रेंज में जब वो आता है तो वहाँ पे बेचते हैं, उल्टा ट्रेड है और ये ट्रेड चल रहा है। ओवरऑल अगर पोजिशनल व्यू देखें तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्म ही करती जा रही है कंपनियाँ, इस लिहाज से यहाँ पर मंदी का ट्रेड ज़्यादा कारगर हो रहा है इन दिनों तेजी के मुकाबले। ओके ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ मनीष केसवानी फ्यूचर कंज्यूमर्स पे एक साल का व्यू पूछे कि क्या करना चाहिए। लेकिन प्रदीप वैसे भी आज जितनी FMCG जितनी कंपनीज थी इनमें जोरदार खरीदारी देखने मिली, लेकिन FMCG में भी ट्रेंड वही देखने मिला है, जो दिग्गज है ना वही खरीदारी देखने मिल रही है कुछ हद तक। नेस्ले ले लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर्स ले लीजिए, HUL भी आज अच्छा खासा ऊपर था, तो इस सिचुएशन में फ्यूचर कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स, मुझे लगता है कि FMCG की रैली अपनी जगह पे है और रिटेल का व्यू थोड़ा सा उससे अलग बनेगा। okay. हालांकि रिटेल में भी उतनी ही तेजी है, पर अच्छा खासा हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा हुआ है। अब यहाँ से आगे अगले एक साल का व्यू लेना इस सेक्टर के लिए, मुझे लगता है कि इनमें आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा है और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, पर बाजार में इस समय बहुत सस्ता नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा आपको यहाँ पे एक तेजी की राय देने में, बनिस्बत अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर्स मुझे याद है एक समय तो 90 के आसपास चला गया था, वहाँ से अब आधा हो चुका है, और शुरू जब मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया था 11 रुपए का स्टॉक हुआ करता था तभी, और उसके बाद मुझे याद है मॉर्गन स्टैनली तो कहाँ 190 के आसपास के टारगेट इस पे देख रहा था, तो क्या इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव नहीं है? मुश्किल है कहना, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि मिड कैप्स में एक अच्छी गिरावट आई है। हाँ। तो उस मिड कैप की गिरावट के दौरान लोगों ने ऐसे स्टॉक चुने हैं जो दरअसल कम गिरे हैं, जो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही काफी महंगे लगते हों आपको, तो जो स्टॉक्स सस्ते हुए हैं तेजी के साथ उस पे अभी तक निवेशकों का रुझान इतना साफ नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आपको विनर्स के साथ ही रहना चाहिए। बाजार बहुत अजीब सा है जहाँ पे जिसको कहते हैं विनर टेक्स इट ऑल, तो जो लीड कर रहे हैं स्टॉक्स वही चल रहे हैं, उन्हीं में तेजी आ रही है, उन्हीं का स्टेक बढ़ता जा रहा है, उनके वैल्यूएशन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे व्यू बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि जो बात हम आज दोपहर में हाईलाइट भी कर रहे थे कि निफ्टी के अंदर भी केवल 5-10 स्टॉक है जो उसको खींच रहे हैं, ऐसे ओवरऑल मिड कैप में भी हाल है, कुछ ही स्टॉक है जिनमें लगातार तेजी बनती जा रही है, और जो एक बार किनारे निकल गए उन पे फिर थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, सो द बिगर आर गेटिंग बेटर और उन पे ही दावा लगाने का अच्छा मौका है। मैं कहूंगा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शायद डीमार्ट अभी भी ज्यादा सेफ लगता है और कोई डाबर या फिर गोदरेज कंज्यूमर ज्यादा सेफ लगता है। चलिए अच्छा, पेपर इंडस्ट्री पे एक सवाल लेना चाहूंगा। यहाँ राजेश चौधरी पूछ रहे कि JK पेपर 168 के लिए 3 मंथ्स क्या करना चाहिए? बने रहिए, मेरा ख्याल है एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पेपर स्टॉक्स की ये तेजी जारी रहने वाली है। पेपर्स का इस्तेमाल जिस रफ्तार से बढ़ने की संभावना है प्लास्टिक के बैन की वजह से, उसका फायदा देखिए इस पूरे सेगमेंट को हुआ है, और ये रैली मुझे लगता है कि अभी अभी काफी ज्यादा चलने वाली है, क्योंकि ये कंसेंसस बन गया है एक के बाद एक राज्यों में कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आउटलुक स्ट्रांग रहेगा, और वही बात है कि जो एक बार फैशन में आ गया वो सेक्टर फिर चलता है। ओके, पेपर मुझे लगता है कि फिलहाल चलेगा। चलिए प्रदीप, यहाँ काफी सवाल जवाब ले लिया हमने, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज बात कर रहा था कुछ एनालिस्ट लोगों से, निफ्टी का अगला टारगेट क्या देख रहे हैं एक साल में, आपको क्या लगता है निफ्टी का अगला टारगेट कितने टाइम में कह रहे हैं आप? एक साल FY19 खत्म होने तक। अच्छा देखिए, मेरा जो टारगेट बनाने का तरीका होता है तो वो तो हर रोज का होता है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि इमीडिएटली कल के लिए मैं कहूंगा कि 11630 के आसपास का एक ऊपर का टारगेट बनता है, उससे ऊपर अगर हम निकल पाते हैं तो अगले 4 दिनों में यानी इस सीरीज के आखिर तक मुमकिन है कि आप 11740 11750 तक के भी लेवल एक बार ये देख सकते हैं इसी सीरीज में। ओके, तो ये तो इमीडिएट टारगेट है जिस पर ट्रेडर्स नजर रख सकते हैं, जिसके हिसाब से आप इवन एक कॉल ऑप्शन भी खरीदने की सोच सकते हैं गिरावट में, अगर 630 निकले तो उसके बाद अभी और यहाँ पे 100-125 पॉइंट का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप साल भर की बात कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इस समय जिस तरह का मोमेंटम लेकर चल रहा है वो मोमेंटम कब तक बरकरार रहेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं ज्यादा
कॉन्फिडेंट रहूंगा कि आपको एक अच्छी गिरावट मिले, एक करेक्शन मिले और वहां पर आप फिर लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर पाए। ये जो मोमेंटम मार्केट है ये पहली बार नहीं आया, ऐसा मार्केट हमने कई बार देखा है और ऐसे मार्केट में फिर आपके लिए कोई भी प्रिडिक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस रफ्तार से बाजार चलने लगता है उसके बाद आप कहेंगे कि अगर 600 पॉइंट तो एक सीरीज में बढ़ गया तो साल के आखिर तक तो 7000 पॉइंट और जुड़ जाएंगे ना 12 महीने उस हिसाब से देखे तो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अच्छा, टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से हम प्रोजेक्शंस करके कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं ये बाजार कहाँ तक जा सकता है। उस नजरिए से एक जो अगला डेफिनेट टारगेट बनता है बाजार में वो कहीं 14000 के आसपास का निफ्टी का टारगेट बनता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि साल भर इसी साल में आएगा ऐसा नहीं हम कह सकते। हम ये कहेंगे कि आपको 12 से 18 महीने के नजरिए से वो अगला इम्पोर्टेंट टारगेट बनता है। 12 से 18 महीने में भी अगर 14000 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो आपको यहाँ से अगर आप आज 11500 पे हैं, 2500 यानी देखिए 15% सालाना तो हमारे मार्केट में बढ़ने के 5 महीने में हम 1600 पॉइंट चढ़ चुके हैं। 16% तो लेकिन ये कोई वन वे रैली नहीं होगी और ये हर बार एक जब इम्पोर्टेंट टारगेट अचीव होता है उसके बाद आप अगला टारगेट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे एक जाने माने एक्सपर्ट है अतुल सूरी साहब, वो कुछ दिन पहले आए थे तो उनका टारगेट 17000 का है निफ्टी पे अगले कुछ सालों के लिए। कुछ सालों के लिए तो ये अगला इम्पोर्टेंट टारगेट है। इसके बीच में पड़ाव है और वो पड़ाव हर साल के हर क्वार्टर के लगातार बनते जाते हैं और उन हरेक पॉइंट पर हम तो देखिए हर रोज ट्रैक करते हैं तो मैं आपको आज का महीने का क्वार्टर का साल का अलग अलग टारगेट बताता रहता हूँ। ये जो एक टारगेट है वो किसी निवेशक के लिए, और अगर किसी निवेशक को ये नहीं लगता कि इंडेक्स यहाँ से 20% बढ़ेगा अगले 1.5 साल में तो वो शेयर में पैसे क्यों लगाएगा। Right, तो उस लिहाज से ये वो वाले टारगेट है। बीच में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे और हम ट्रेड करते रहेंगे, आपको हर रोज लेवल बताएंगे। अच्छा प्रदीप जो बोल रहे 14000 आ जाए देखने मिल जाए। अच्छा प्रदीप, कल सुबह जब हम आएंगे तब तो एक वो ट्रेड वॉर का उनकी मीटिंग खत्म हो गई होगी, कुछ पॉजिटिव आने की तो उम्मीद है नहीं, कोई नेगेटिव आ गया तो हो गई धुलाई। और एक दूसरा, जब हम मंडे को आएंगे तो फेड चेयरमैन के जो स्पीचेस होंगे जो जैक्सन होल मीटिंग में, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो दो दिन तो पूरे तरह से हम ग्लोबल क्यूज पे ट्रेड करने वाले ज्यादा था, राइट? तो उन्हीं को देख के आपको जैक्सन होल की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी देने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है फेड को, या बहुत रेट हाइक हो गए। लेकिन फेड मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के दबाव में आने वाली संस्था है, क्योंकि वो अपने टारगेट्स देखते हैं और वो उसको मिस नहीं कर सकते। तो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ रहा है और ट्रेड वॉर इन्फ्लेशनरी होता है। जब आप ट्रेड वॉर करते हैं तो आपने विदेश से आने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया, क्योंकि वो सस्ता था और आप अपने देश में बना हुआ माल बेच रहे हैं जो महंगा है, इसीलिए तो नहीं बिक रहा था ना, इसीलिए तो आपने टैरिफ लगाए। अब बाहर से आने वाला माल भी महंगा बिक रहा है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो फेड के हाथ और कमजोर कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं रेट हाइक करने के लिए और कह रहे हैं कि मत कीजिए। तो मेरे ख्याल से वो इररिलेवेंट है। लेकिन हाँ, चीन और अमेरिका के बीच की जो बातचीत चल रही है जिसके कल नतीजा आएगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा आया तो शायद हम कल 11630 का हर्डल पार करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा और उसकी वजह से अगर, लेकिन बैंक ने साथ दिया तो रिकवरी आनी जरूरी है। अच्छा अगर नहीं भी आया, अगर कुछ और भी निगेटिव आए तो मुझे लगता है कि 11500 के आसपास निफ्टी में और मैक्सिमम 27750 के आसपास निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको यहां तक गिरावट दिखे तो भी आपको खड़े होकर खरीदारी करनी चाहिए। ओके ठीक है, तो खरीदारी के मौके मिलते हैं गिरावट में भी, ये तो हम आपको कल बताएंगे कि सुबह सुबह होता क्या है यूएस